काटना है काटिए ना मैडम, पेटे काटना है फांसी में चला दीजिए। के गो स्टाफ के बेटा नहीं दें सरकार, के गो माफ किया, क्या दिया सरकार सब्सिडी व्यापारियों को? टैक्स दे रहे हैं, आप खोज रहे हैं कि 2 महीना से दुकान बंद है, आज दुकान खुला है तो काट रहे हैं। आज दुकान खुला है तो हेलमेट ना चाहिए? अरे भैया बाहर से लड़का आया, ट्रेन नहीं मिला जंक्शन से, राजेंद्र नगर छोड़ने जा रहे हैं। ट्रेन का टिकट है? ट्रेन का टिकट कटाएगा अब जाएगा तभी ना। बाहर से आ रहा है? बाहर से आ रहा है, आया है। बाहर से कहाँ से आ रहा है? बाहर से आया है, रोज ड्यूटी करने वाला सर, आज दुकाने खुला है, हेलमेट नहीं है। नहीं लड़का को ट्रेन मिला तो लड़का को छोड़ने जा रहे हैं, हेलमेट क्या? ये टिकट है आपके पास? टिकट सर जी अभी जाएगा तो नहीं जाएगा सर, स्टाफ को छोड़ना है। बैंक में पेमेंट करने के लिए दिए हुए थे, चेकबुक देखिए, लेजर देखिए, सारा व्यवस्था का हुआ। अरे लड़का आज लेजर इतना के काटना है काटिए, आप भी लोगों का राजे है, टैक्स दे व्यापार या लूटिए आप लोग। मगनी में सरकार जितना बांटे, 2 महीना में बिजली बिल माफ किया है, कहाँ से देंगे? घर बेच के, खेत बेच के? हम लोग बताएंगे आप क्या बताइए? आप लोगों को कोऑपरेट करना होगा, आपको वेतन व्यापारियों के टैक्स से मिल रहा है, सरकार बताएगा आपको व्यापारियों के टैक्स से वेतन मिल रहा है साहब। व्यापारी के जान मार के नोच लीजिए कि मर जाए व्यापारी, आप समझिए तो क्या आप ही लोग ना कर रहे हैं सर? आपका भी क्या गलती की है सर? इतना फाइन काटना है काटिए ना, मार दीजिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए, यही ना करना है आपको? सुनाइए जिनको सुनाना है, मोदी जी या नीतीश जी को, व्यापारी के बिजली बिल माफ किए हैं, कहाँ से व्यापारी देगा? स्टाफ के वेतन के दुकान 2 महीने बंद कर दिए, भाषण दे दिए कि बंद कर दो दुकान, सलाम बस्ती को तो मगनियों में बांट रहे हैं, व्यापारी को क्या दिए सुनाइए उनको? 2 महीने का किराया, किराएदार 60,000 रुपया मालिक को देना है, कहाँ से देंगे? आप तो डंडा चला के कहते हैं बंद कर दो दुकान, हमारे बाल बच्चे का पेट कहाँ से चलेगा ये बताइए आप लोग को तो फाइन काटना मजा आ रहा है, फाइन काट दो, लटका दीजिए फांसी पे सूली पे, कल वेतन आपका कहाँ से मिलेगा? व्यापारी टैक्स नहीं देगा तो वेतन कहाँ से मिलेगा आपका, ये बता दीजिए? आपका तो वेतन मिल रहा है, बाल बच्चा भूखा मचा हुआ है, कर्जा लिए है सर जी, तब किराया देंगे, बिजली बिल देंगे, स्टाफ को कितना छोड़ दें? 5,000 रुपया महीना देते हैं उसको, कैसे छोड़ दें उसको? उगर बाल बच्चा क्या खाएगा? व्यापारी का दर्द आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कहते हैं 2 बजे डंडा उठा दो, कस्टमर मेरा सामान रख के चल गया पेशाब करे, तो उसको छोड़ के भाग जाए, हम नहीं समझना व्यापारी का दुकानदार का दर्द आप लोग। और पता कर लीजिए हरिओम सेल्स जमाल रोड में मेरी दुकान है कि नहीं है, पता चलेगा उसको। क्या हुआ मैम, फाइन कटेगा क्या इनका? इतना काटना है काटिए ना मैडम, पेटे काटना है फांसी में चला दीजिए। के गो स्टाफ के बेटा नहीं दें सरकार, के गो माफ किया, क्या दिया सरकार सब्सिडी व्यापारियों को? जितना काटना है उतना काटिए, आपका तो वेतनवा मिल ही ना जाएगा, लुटियो के ले आइएगा आप, हम कहाँ जाए लूटे? तो एक बार फैसला दे देते हैं आज से लोग, नीतीश जी को कहा बोलिएगा मिल रहा है, और नीतीश जी को कहिए कि व्यापार टैक्स लेकर के व्यापारी के, और व्यापारी को फांसी पे चढ़ा दे, कल से कहाँ से सरकार चलाएंगे और टैक्स कहाँ से आएगा, किसको वेतन कहाँ से दे, व्यापारी को कहाँ से, बाल बच्चा व्यापारी का नहीं है, 2 महीना से दुकान बंद किए हुए है, किराए पे मकान मालिक किराया नहीं छोड़ता है, बिजली बिल भी माफ नहीं किए हैं, बताइए नीतीश जी को की बुझा रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।